हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन सर्च एंड इंडिसेंस होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 12 - √12 - √12 - √12 - ……. तक तो फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ नंबर है कितना, तो 12 है और सभी फ्रेंड्स स्क्वायर रूट में है और यहाँ माइनस लगा हुआ है। नंबर है 12 और माइनस लगा हुआ है, और सभी स्क्वायर रूट में है इन्फिनाइट तक। जब भी फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन दिखे आपको, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर 12 है उसका ऐसा दो फैक्टर करना है, ऐसा मल्टीपल लेना है कि हमारा जो डिफरेंस हो फैक्टर्स का वो डिफरेंस 1 हो। यानी अगर 12 को हम लोग कैसे तोड़ लिख सकते हैं, तो 12 को 6 × 2 लिख सकते हैं। क्या डिफरेंस 1 है, तो नहीं है। या नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंस कितना रहना चाहिए फ्रेंड्स, डिफरेंस हमारा 1 होना चाहिए। तो हम लोग 12 को 6 × 2 भी लिख सकते हैं। क्या डिफरेंस 1 है, तो यहाँ क्या डिफरेंस देख रहे हैं, 4 है। यानी 6 और 2 तो हो नहीं सकता है, यानी आप कैंसिल आउट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, 12 को आप कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, 1 है। तो डिफरेंस फ्रेंड्स 1 है, तो मैंने क्या बताया कि आपको कैसे तोड़ना है, कैसे फैक्टर कर लेना है, तो डिफरेंस जिसका 1 रहे। तो यहाँ क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, डिफरेंस हमारा 1 है। तो दोस्तों, यहाँ क्या लगा हुआ, यहाँ आपका माइनस लगा हुआ है। तो माइनस मतलब क्या होता है, तो माइनस मतलब छोटा अंक होता है। तो आपको 3 और 4 में छोटा कौन सा अंक दिख रहा है, तो 3। यानी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार समझिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे, सभी रूट में है, माइनस लगा हुआ है, और डॉट डॉट इनफिनाइट तक है, तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसको ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा मल्टीपल लेना है कि दोनों का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो फैक्टर कितना किए, 12 का फैक्टर 3 × 4, 6 × 2 कर रहे थे, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। यानी इसको नहीं लेना है। अगर कैसा फैक्टर लेना है, तो जिसका डिफरेंस 1 है। तो 3 और 4 हम लोग लिए, तो कितना आ गया फ्रेंड, डिफरेंस 1 आया। यानी उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद देखना है कि माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है सबके साथ। तो माइनस लगा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि माइनस वो क्या दर्शाता है, छोटा अंक को। तो आपको 3 और 4 में छोटा कौन सा है, तो 3 है। यानी इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड, 3 हो गया। और फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो आइए करते हैं इसको भी। 56 है, तो हम लोग 56 को कैसे सॉल्व, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं दो नंबर में। तो हम लोग 56 को 8 × 7 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 7 × 8 या 8 × 7 कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों तो एक ही है, 7 × 8 लिख दिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा नंबर लेना था, फैक्टराइज ऐसे करना है, मल्टीपल लेना है कि दोनों का डिफरेंस कितना हो, तो दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंस कितना है, तो फ्रेंड्स यहाँ डिफरेंस 1 है। यानी हमारा काम बन गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है, सबके साथ क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस। तो माइनस लग भी लगे तो फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा 7। यानी छोटा अंक लेना है, तो 7 और 8 में छोटा कौन सा है, तो 7 है। यानी आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, 3 और 4। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला और दूसरा जैसे किए थे, हम लोग 3, 4 भी उसी करेंगे। तो 20 है, तो 20 को हम लोग कैसे दो नंबर में फैक्टराइज करें फ्रेंड्स कि हमारा डिफरेंस 1 है। तो 20 को हम लोग 5 और 4 में कर सकते हैं। तो 5 और 4 में 5 × 4 कर दिए, यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, तो डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है। यानी हमारा काम बन गया, कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस 1 है। और यहाँ फ्रेंड्स अब क्या करना है, तो सबके साथ क्या लगा, माइनस लगा है। क्या लगा है, माइनस लगा है। तो माइनस जब भी लगे तो हमें क्या करना था, छोटा अंक लेना था। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ सबके साथ क्या लगा है, 2 √√2 - √√2 - √√2 · ……. तक है, मतलब उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आपको कैसा, जो दो है, जो नंबर है 2, उसको कैसे फैक्टराइज करना था, तो दो नंबर में, तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 लिख सकते हैं। और यहाँ कितना था, 20 था, तो 20 को हम लोग कैसे लिखे, 5 × 4 लिखे। ये तो समझ में आ गया होगा। अब 2 है, तो 2 को हम लोग 1 × 2, हमें डिफरेंस कितना चाहिए दोस्तों, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो डिफरेंस हमारा भी 1 है, तो हमारा काम बन गया। कितना डिफरेंस है, तो 1 और 2 के बीच कितना डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है। यानी हमारा काम बन गया।
अब सब के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस क्या दर्शाता है, छोटा अंक दर्शाता है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वन हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हुआ फ्रेंड्स, तो वन हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग सिर्फ उसी प्रकार करेंगे जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस डॉट डॉट इनफिनाइट तक, तो 6 का औसा मल्टीपल जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 2 में तोड़ सकते हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो हम लोग क्या आंसर होगा हमारा, तो आंसर छोटा नंबर होगा, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। छोटा नंबर कौन सा है, 3 और 2 में 2 है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। अब 72 है, तो उसी तरीका का है, रूट अंडर 72, रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 डॉट डॉट इनफिनाइट तक, तो फ्रेंड्स 72 को हम लोग कैसे तोड़ पाएंगे कि हमारा डिफरेंस 1 हो, तो 8 × 9 कैसे करेंगे, 8 × 9, तो दोनों को डिफरेंस कितना हो गया हमारा, तो डिफरेंस हमारा 1 हो गया। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा होगा कितना, तो सबके साथ माइनस लगा हुआ है तो आंसर क्या होता है, आंसर छोटा अंक होता है, तो 8 और 9 में कौन सा छोटा अंक है, तो 8 है, यानी आंसर कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 7 और 8 भी करेंगे। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहले माइनस था, अब यहां क्या है, सब प्लस है। तो फ्रेंड जिस तरीके से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए थे हम लोग वैसे ही करेंगे, यानी 20 का औसा मल्टीपल कर लेंगे कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो 20 को क्या लिए थे हम लोग, 5 और 4 लिए थे, यानी 5 × 4, तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच, डिफरेंस हमारा क्या है, 1 है। और फ्रेंड्स अब क्या करना है, तो पहले माइनस था लेकिन अब यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा, माइनस में लोग छोटा नंबर ले रहे थे तो प्लस में कौन सा लेना होगा, तो लार्ज नंबर लेना होगा। तो लार्ज नंबर कौन सा है, 5 और 4 में, तो लार्ज नंबर हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर 5 है, यानी हमारा आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा 5 हो गया। बड़ा नंबर 5 और 4 में कौन सा है, 5 है, यानी आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरीका का क्वेश्चन नंबर 8 भी है फ्रेंड्स, 6 का औसा मल्टीपल जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो 6 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, यानी 3 × 2। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपका डिफरेंस तो 1 है तो डिफरेंस हमारा 1 रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, और सब जो किए थे माइनस था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या इंडिकेट करता है, तो प्लस मींस बड़ा, तो यहां 3 और 2 में बड़ा अंक कौन सा है, तो 3 है, यानी आंसर कौन क्या हो गया हमारा, आंसर हमारा 3 हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 7 और 8 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब 9 और 10 करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस प्रकार है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि 56 + √56 + √56 डॉट डॉट इनफिनाइट तक, तो यहाँ क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, 56 है, तो 56 को औसा फैक्टराइज करेंगे कि हमारा डिफरेंस उन नंबरों का क्या आ जाएगा, 1 है, तो 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 लिख सकते हैं, और डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 1 है। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि प्लस है, तो प्लस मीन्स क्या इंडिकेट करता है, प्लस मीन्स बड़ा, तो 7 और 8 में बड़ा अंक कौन सा है, तो बड़ा अंक 8 है, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 8 आंसर हो गया। उसी तरीके से दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, तो 2 को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2, डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस 1 हो गया। और हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि सब में क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस मीन्स बड़ा, तो बड़ा कौन सा है, 2 और 1 में, तो 2 बड़ा है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको 9, 10 समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्या देख रहे हैं क्वेश्चन 11, 12 में कि 7 है, क्या है, 7 है, तो 7 को औसा 2 फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 7 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, जिसका 2 फैक्टर में और डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 7 है, तो 7 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 7 × 1 है, तो हम लोग 7 क्या ले सकते हैं, 7 × 1, तो हम लोग डिफरेंस क्या देख रहे हैं, 6 हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिखे जिसका डिफरेंस 1 नहीं आ पाए, क्या नहीं आ पाए, 1 नहीं आ पाए, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ क्या लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जिसका डिफरेंस 1 नहीं हो, आंसर आता है, लिखा रहेगा कि 4 और 5 के बीच में, 5 के बीच में, मतलब कि बीच में, मतलब कि दिया रहेगा 4 और 5 के बीच में, 6 और 7 के बीच में जो नंबर है उसके बीच का संख्या आंसर आता है। तो फ्रेंड्स क्या हम बोल रहे हैं, आइए देखते हैं।
सात है, तो सात को हम लोग डिफरेंस तो वन नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हमें अब सात से नीचे जाना होगा, यहाँ सात है तो सात से नीचे जाना होगा जिसका डिफरेंस वन आए, तो सात छः, तो छः हम लोग सात से नीचे छः आए तो छः को हम लोग तोड़ सकते हैं टू इंटू थ्री में, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं डिफरेंस हमारा क्या हो गया वन हो गया। तो फ्रेंड्स बस यही करना है, माइनस लगा हुआ है तो सात से नीचे आना है, तो कितना डिफरेंस माइनस है तो सात से नीचे आना है, और औसत नंबर जिसका मल्टीपल कितना हो वन हो, मल्टीपल क्या हो मल्टीपल का डिफरेंस वन हो उसको लेना है, तो सात से नीचे आए छः आए तो छः को हम लोग तोड़ सकते हैं टू इंटू थ्री में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है वन आ रहा है, बस और क्या करना होगा फ्रेंड्स आपको, तो आंसर हमारा क्या आ गया, तो हमारा आंसर टू और थ्री के बीच में आ गया, टू और थ्री के बीच में, ऑप्शन में रहेगा आपको कि दो और तीन के बीच में, तो हमारा आंसर कितना हो गया टू और थ्री के बीच में, बस यही करना है आपको, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आपको सात से नीचे जाना है और औसत नंबर पता करना है जिसका फैक्टर करने पर डिफरेंस कितना हो वन हो, तो हम लोग सात से नीचे आए क्योंकि माइनस लगा हुआ है छः, तो छः को हम लोग देखें कि छः को हम लोग तोड़ सकते हैं टू इंटू थ्री में, डिफरेंस कितना आ रहा है वन आ रहा है, यानी आंसर कितना आ गया टू और थ्री के बीच में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ माइनस था यहाँ क्या है प्लस है, क्या फ्रेंड्स प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में, तो यहाँ माइनस था तो हम लोग नीचे जा रहे थे सात से नीचे, यहाँ सात से हम लोग क्या प्लस लगा हुआ है सात से ऊपर जाएंगे आठ, आठ को हम लोग तोड़ सकते हैं दो फैक्टर में जिसका डिफरेंस वन हो, तो नहीं तोड़ सकते हैं, चार इंटू दो तो डिफरेंस कितना दो आता है, नौ, नौ को भी नहीं ले सकते हैं, दस, दस को भी ले सकते हैं, ग्यारह नहीं ले सकते हैं, बारह, तो बारह को हम लोग तोड़ सकते हैं सात से ऊपर जाएंगे बारह को, तो तीन और चार में तोड़ सकते हैं, यानी दोनों को भी डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस भी हमारा वन आ रहा है, यानी सात के बाद कौन आ रहा है तो बारह नंबर ऐसा है जिसका डिफरेंस क्या है वन है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तीन और चार के बीच में, तीन और चार के बीच में, ऑप्शन में रहेगा तीन और चार के बीच में, तो आपको टिक मारना हो, या तो ऐसा भी रह सकता है कि तीन और चार के बीच में जो नंबर हो दशमलव में वो दिया रहे, तो आपको ऐसा नंबर चूज करना है जो तीन और चार के बीच में रहे, यानी हमारा आंसर कितना हो गया तीन और चार के बीच में। एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स, सबसे पहले कैसा नंबर है सेवन है, तो सेवन को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं दो फैक्टर में कि जिसका डिफरेंस वन हो, नहीं तोड़ सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख रहा है माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया हो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, औसत नंबर सेवन के नीचे जाना है जिसका क्या हो फैक्टर करने पे डिफरेंस वन हो, तो सात से हम नीचे गए तो छः आया, तो छः औसत नंबर है जिसको फैक्टर करने पे डिफरेंस कितना वन आ रहा है, तो टू इंटू थ्री डिफरेंस कितना वन आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो गया टू और थ्री के बीच में। अब हम लोग उसी क्वेश्चन को माइनस था यहाँ प्लस कर दिए, तो प्लस में क्या करना है सात से ऊपर जाना है, तो सात से ऊपर जाएंगे तो आठ आएगा, क्या आठ को फैक्टर कर सकते हैं दो नंबर में जिसका डिफरेंस वन हो, नहीं कर सकते हैं, नौ को भी नहीं कर सकते हैं, दस को भी नहीं कर सकते हैं, ग्यारह को नहीं कर सकते हैं, बारह, बारह ऐसा नंबर है जिसको हम लोग फैक्टर लेंगे तीन और चार में, तो डिफरेंस कितना है वन है, यानी फ्रेंड्स आंसर का हमारा क्या आ जाएगा तीन और चार के बीच में, यानी जो भी नंबर है तीन और चार के बीच में हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 समझ में आ गया होगा, तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स उसी तरह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी, तो 14 14 को तोड़ सकते हैं हम लोग दो मल्टीपल फैक्टर में जिसका डिफरेंस क्या वन है, तो नहीं तोड़ सकते हैं, 14 को कैसे लिखते हैं सात इंटू दो, तो कितना डिफरेंस है पांच डिफरेंस है, यानी नहीं तोड़ सकते हैं, तो 14 को नहीं तोड़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ प्लस लिखा हुआ है, यानी 14 से ऊपर जाना होगा, 15 को तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, 16 को तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते हैं, 17 को नहीं, 18 को नहीं, 19 को नहीं, 20 को नहीं, 20 को हाँ, यानी 14 के ऊपर गए तो हम कितना मिला 20 मिला, जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं दो फैक्टर में 5 इंटू 4 और डिफरेंस कितना है तो 1 है, यानी 14 के ऊपर गए तो कितना आ गया नंबर 20 आ गया, यानी हमारा आंसर कितना होगा 5 और 4 के बीच में, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 5 और 4 के बीच में, 5 और 4 के बीच में। सबसे पहले क्या देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो क्या दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसका डिफरेंस वन है, तो 14 है तो 14 को हम लोग तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस लिखा हुआ है तो हम लोग ऊपर जाएंगे 14 के ऊपर, तो 15 नहीं, 16 को तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते, 17 को तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, 18 को क्या तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, 19 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 20 तो 20 ऐसा नंबर है जिसको दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं, डिफरेंस कितना आना चाहिए वन आना चाहिए, तो 5 इंटू 4 तो 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 और 4 के बीच में, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 और 5 के बीच में।
चार और पांच के बीच में, यानी औसत नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा जो चार और पांच के बीच में रहे, यानी वही ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर होगा। अब यहाँ क्या देखें, 14 माइनस में है, तो 14 माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में है, यहाँ 14 प्लस में था तो प्लस में ऊपर जा रहे थे, माइनस में यानी 14 से नीचे जाएंगे, तो 14 से नीचे जाएंगे 13 तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, 12, 13 के बाद क्या 12, तो 14 के नीचे कितना आया 12 आया, यानी 12 आया फ्रेंड्स, तो 12 को हम लोग 3 × 4 लिख सकते हैं, और डिफरेंस कितना है तो 1 है, यानी जो भी आंसर है वो क्या आएगा हमारा 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 4 के बीच में हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या था 14 माइनस था तो माइनस दिया हुआ है तो हम लोग 14 के नीचे जाएंगे, 13 तो 13 को हम लोग तोड़ सकते हैं दो फैक्टर में, नहीं तोड़ सकते हैं, 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 4 में, और डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 3 और 4 के बीच में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपको समझ में आ गया होगा, तो अब सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन 15 और 16 करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, √1 − √1 − √1 − डॉट इन्फिनाइट तक। तो फ्रेंड्स 1 को क्या तोड़ सकते हैं हम लोग दो फैक्टर में जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा 1 को तोड़ सकते हैं 1 × 0 में, तो दोस्तों 1 × 0 करेंगे तो क्या हमारा नंबर 1 आ पाएगा, तो 1 × 0 तो 1 होता है लेकिन डिफरेंस 1 आएगा, तो फ्रेंड्स ये क्या पॉसिबल है, तो 1 × 0 0 हो गया। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग कर रहे थे √12 था, −√12 था, तो क्या लिखते थे 3 × 4, तो 3 × 4 क्या होता 12 होता था, यहाँ 1 × 0 लेंगे, 1 और 0 लेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या नंबर 0 है, नंबर तो 1 है, यानी फ्रेंड्स ये हमारा लॉजिक कैंसिल आउट हो गया, यानी इस तरीके से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो दोस्तों 1 है यानी 1 के नीचे औसत नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस क्या है, जिसका डिफरेंस क्या है 1 है, तो 1 के नीचे अगर जाते हैं तो क्या होता है 0, अगर 0 नंबर 0 लेंगे तो हम लोग 1 × 0 कर सकते हैं, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 0, जैसे 0 को क्या लिख सकते हैं 1 × 0 लिख सकते हैं, और डिफरेंस कितना हो गया फ्रेंड्स 1 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 0 और 1 के बीच में, यानी आंसर क्या हो गया 0 और 1 के बीच में, 1 के बीच में, बीच में। दोस्तों एक बार समझिए यहाँ क्या है 1 है, तो 1 को क्या हम तोड़ सकते हैं दो फैक्टर में जिसका डिफरेंस 1 है, तो आपके दिमाग में आ रहा हो 0 और 1 ले लेते हैं, तो 0 और 1 लेंगे तो दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 0 आ रहा है, डिफरेंस तो 1 आ रहा है लेकिन नंबर जो 1 था वो अब 0 आ रहा है, तो ये ट्रिक तो कैंसिल आउट हो गया। अब जो सेकंड ट्रिक था जिसका क्या था फैक्टराइज हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो 1 है तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, 1 के नीचे यानी 1 के नीचे संख्या हमको सोचना पड़ेगा, तो 1 के नीचे हम क्या संख्या सके 0 सोचे, तो 0 फ्रेंड्स सोचे हम लोग, तो 0 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना 1 × 0 में, तो 1 × 0 क्या होता 0 आ जाएगा और डिफरेंस भी क्या गया 1 आ गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया फ्रेंड 0 और 1 के बीच में, यानी जो भी संख्या 0 और 1 के बीच में आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन 16 करते हैं, यहाँ क्या दिया √5 − √5 − √∞ तक, तो उसी तरह का क्वेश्चन है, तो 5 को हम लोग क्या दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 है, तो नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 5 को हम 1 × 5 ले रहे हैं, तो 1 × 5 लेंगे तो दोनों को डिफरेंस कितना का है 4 का है, 5 को आप लेंगे तो 1 × 5 लेंगे, डिफरेंस कितना का 4 है, यानी हमें तो लेना है डिफरेंस 1 लेना है, यानी 5 हमें फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो फ्रेंड्स माइनस लगा हुआ है तो माइनस जब भी लगता है तो क्या करते हैं नीचे वाला अंक लेते हैं, तो 5 से छोटा के 4, 4 क्या तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, 3 तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, 2, यानी 2 औसा नंबर है जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं तो 1 × 2 में, तो 1 × 2 हो गया और दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस हमारा 1 हो गया, तो 5 के नीचे कौन सा नंबर है तो 2 नंबर ऐसा है जो हम लोग फैक्टराइज करने पे यानी फैक्टर लेने पे 1 और 2 का तो कितना डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 और 2 के बीच जो भी नंबर हो वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 1 और 2 के बीच में। जब भी फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन आपको दिखेगा तो ऑप्शन हमेशा रहेगा, नंबर रहेगा किसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन 16 था, 15 और 16 था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो अब कुछ और टाइप का क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों 17 और 18 नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आंख बंद के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, √5 सब क्या है मल्टीप्लाई में, कुछ प्लस और माइनस में नहीं है, सब क्या है मल्टीप्लाई में है। जब भी ऐसा कंडीशन बने फ्रेंड्स कि सारा जो स्क्वायर रूट है
5 square root 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 dot dot infinite तक। नंबर तो एक ही है लेकिन सब क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिख रहा है ना वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पांच आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सभी क्या है, नंबर मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर रूट में है और डॉट डॉट इनफिनाइट तक है। तो आंसर जो क्या होगा हमारा, जो नंबर दिख रहा है वही आंसर होगा, यानी सात दिख रहा है तो सात क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बार और समझ ले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ क्या है, प्लस माइनस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है, नया कंडीशन का है। सब जो नंबर सेम है, नंबर तो सेम है, पांच ही है, लेकिन सब क्या है, मल्टीपल में, मल्टीप्लाई में हो रहा है और सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और डॉट डॉट इनफिनाइट तक है। इसको याद रखिएगा, इनफिनाइट तक है तभी ये कंडीशन, ये ट्रिक लागू होगा। क्या है, इनफिनाइट तक है और ये भी इनफिनाइट तक है। जब भी इस तरह का दिखे फ्रेंड्स, तो जो नंबर है पांच, यानी जो भी नंबर है, तो यहाँ नंबर पांच है, यानी पांच हमारा आंसर हो गया। और यहाँ क्या नीचे देख रहे हैं कि सात है, तो सात हमारा आंसर हो गया। तो पहला क्या था कि सारे नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए और स्क्वायर रूट में तो होगा ही, और डॉट डॉट इनफिनाइट तक, कब तक, इनफिनाइट तक दोस्तों, याद रखिए हमेशा कि इनफिनाइट तक हो। तो क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर दिख रहा है वही आंसर होगा। यहाँ ऊपर में पांच दिख रहा था, पांच आंसर हो गया, नीचे में सात दिख रहा है, यानी सात आंसर हो गया। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करेंगे, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी उसी प्रकार का है। तो आइए बताते हैं, बताइए कि आंसर कितना होगा। सभी रूट अंडर 7 है, सभी क्या है, मल्टीप्लाई में और डॉट डॉट इनफिनाइट तक है। तो आंसर क्या होगा, जो नंबर दिख रहा है, यानी सात आंसर होगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 भी उसी प्रकार का है, सभी नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में, स्क्वायर रूट में और डॉट डॉट इनफिनाइट तक है। तो क्या आंसर होगा, जो नंबर दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है आपको, आठ, यानी आंसर क्या होगा, आठ होगा। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करेंगे, अब फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इनफिनाइट नहीं रहे तब कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सेशन में बने रहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखकर आपको लग रहा होगा प्रीवियस जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, डॉट डॉट इनफिनाइट तक था ना, डॉट डॉट इनफिनाइट तक। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो नंबर दिख रहा था वही आंसर हो रहा था। अब क्या आपको डॉट डॉट इनफिनाइट तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको जो नंबर दिख रहा है वो लिख लेना है, यानी क्या दिख रहा है नंबर, सेवन। तो पहले आप सेवन लिख लीजिए, सात लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा अलग हट के दो लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, दो लिख लेंगे, सभी क्वेश्चन में टू लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि सात आपको जो है नंबर वो कितना बार है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। अब क्या करना फ्रेंड्स, टू आपको लिख लेना है। अब पांच बार सात था, यानी टू के पावर फाइव लेना है, क्या लेना है, टू के पावर पांच। तो टू के पावर पांच, पावर मतलब समझ रहे हैं कि दो इंटू दो इंटू दो इंटू, पावर मतलब क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू दो, यानी पांच बार मल्टीप्लाई करना। तो दो को पांच बार मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। तो दो को पांच बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बत्तीस आएगा, यानी दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, यानी टू के पावर कितना हो जाएगा, बत्तीस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बत्तीस आया ना, अब आपको एक घटा देना है, क्या घटाना है, एक घटाना है, बत्तीस में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, थर्टी वन आएगा, कितना आएगा, इकतीस आ जाएगा। तो हमारा जो सात था उसको क्या करना होगा, सात तो है ही, उसके बाद ऊपर पावर लगाना होगा, इकतीस बटा बत्तीस, यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स एक बार और समझिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रूट अंडर सात है, रूट अंडर सात है, सभी मल्टीप्लाई में है और डॉट डॉट इनफिनाइट में नहीं है, यानी अलग पैटर्न का है। अगर इनफिनाइट में रहता तो जो नंबर दिख रहा है वही आंसर होता, यहाँ तो वैसा इनफिनाइट तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सात जो दिख रहा था आपको नंबर आप लिख लिए, सेवन लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आपको दो लेना है, क्या लेना है, टू लिख लेना है आपको। उसके बाद फिर देखना है कि नंबर कितना बार है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो क्या करना है, टू के पावर जितना बार रहे नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो टू के पावर कितना हो गया, पांच बार नंबर है, तो पांच, टू का पावर पांच ले लिए, तो टू के पावर पांच कितना होता है, बत्तीस होता है। तो हमने क्या लिखा, बत्तीस लिख लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक कम नंबर जो आया है बत्तीस, यानी जिसका मल्टीप्लाई में जो लिए थे हम लोग पावर, वो नंबर कितना हो गया, बत्तीस हो गया। तो आपको एक कम लेना है, यानी बत्तीस से एक कम कितना होगा, इकतीस होना है। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, पावर हो गया, यानी सात जो हम लोग लिखे थे उस पर अब चिपका देना है, तो इकतीस और बत्तीस हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 22 के माध्यम से और थोड़ा समझते हैं, क्या है, आठ है, आठ है। सबसे पहले आप क्या करना है, आठ दिख रहा है आपको, आठ यहां लिख लीजिए, आठ लिख लिए। फिर हमने क्या बताया आपको कि दो टू अपने मन से लीजिए, तो टू हम लोग लिख लिए, यहां पे टू लिख लिए, ठीक है। अब देखिए कि कितना बार जो नंबर है, नंबर कितना बार है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी टू के पावर फोर। तो टू के पावर फोर कितना होता है, तो टू के पावर फोर कितना होता है फ्रेंड्स, सोलह होता है। तो सोलह लिखिए और एक कम
ऊपर में जो न्यूमिनेटर है उसको एक कम लिखना है, तो 16 से एक कम कितना होगा 15, यानी 15/16 हो गया। तो आपको पावर जो था जो आया 15/16 उसको चिपका देना है, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 8/15 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स एक बार और समझते हैं, यहाँ पे √7 ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना था, तो फिर से समझते हैं एक बार, सबसे पहले क्या करना था दोस्तों, पहले जो नंबर वो लिख लीजिए, तो कितना नंबर था 7 लिख लिए। उसके बाद अपने मन से 2 ले लीजिए, 2 ले लिए। अब कितना बार नंबर है वो काउंट कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी जो 2 लेना था उसका पावर कर दीजिए। तो 2^5 कितना होता है 32 होता है, 32 लिख लिए। तो उसके बाद क्या करना था, एक माइनस ऊपर में क्या था, एक माइनस करना था, 32 से एक कम कितना था 31, यानी अब क्या करना था फ्रेंड्स, 32 आया तो 32 से एक कम ले लिए तो 31 हो गया, 31/32 बस आपको चिपका देना है 132, ये हमारा क्या आंसर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी करना था, 8 आपको दिख रहा है 8 लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अपने मन से 2 लेना है, 2 ले लिए। अब कितना बार 8 है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2^4 कर दिए, तो 2^4 कितना 16 होता है, 16 लिख लिए। आपको एक कम लेना था, -1 करना था, तो कर दिए, 15 आ गया। अब जो 15/16 है आपको चिपका देना है, तो 15/16 चिपका दिए, आंसर कितना आ गया 8/15/16 आ गया। तो फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे, 22 हो गया, 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए चैनल में। फ्रेंड्स अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, √2 सभी क्या है मल्टीप्लाई में। सबसे पहले आपको क्या बोले, जो नंबर दिख रहा है वो लिख लीजिए, क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना था, अपने मन से 2 लेना था, 2 यहां ले लिए। अब आपको कितना बार 2 दिख रहा है, जो नंबर कितना है 1 2 3 4, 2 2^4, 2 2^4 कितना होगा 16 होता है, तो 16 लिख लीजिए। और एक कम करना था, 16 से एक कम कितना हो जाएगा 15, यानी अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2^15/16। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना था, यहाँ सब तो नंबर 2 दिख रहा था, हम 2 लिख लिए, और फिर अलग से फिर 2 लेना था, 2 अलग से ले लिए। उसके बाद क्या करना है, जितना बार नंबर है उसको काउंट करना था, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और जो 2^4 करना था 2^4 कर दिए, कितना आएगा 16 आ गया, 16 से कम करना है 15, यानी आंसर कितना आ गया 15/2^15/16। जो 15/16 आया उसको कॉपी करके पेस्ट करना था, 15/16 कर दिए, 2^15/16 आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन ये भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा √8 क्या है, सभी मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले आप 8 दिख रहा है, 8 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद अपने मन से क्या करना है, 2 लेना था, 2 ले लिए। उसके बाद कितना बार 8 है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी 2^5 है, तो 2^5 कितना होता है 32 होता है, 32 लिख लिए। और एक कम करना था, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, कॉपी करके अब पेस्ट करना है, तो 8^5 कितना हो गया 31/32 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले √7 × √7 सभी क्या मल्टीप्लाई में है, और डॉट डॉट इन्फिनाइट में है, तो इन्फिनाइट में जब भी रहता तो जो नंबर दिखता है वही आंसर होता है, तो इसका जो क्या आएगा हमारा आंसर 7 आएगा, तो 7 लिख लीजिए। और बराबर 343 किसका क्यूब है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स 7 का क्यूब हमारा क्या होता है 343 होता है, यानी ये हमारा क्या है 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब लिख लीजिए, 7 का क्यूब। और ये क्या है y माइनस 1 है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 7 है ठीक है, 7 लिख लिए और 7 क्यूब और माइनस 1। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं एक्सपोनेंट में क्या होता है, जब भी दो नंबर क्या होता है बेस बराबर होता है, यहाँ 7 यहाँ भी है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 7 है, यानी बेस हमारा क्या है बराबर है। यहाँ 7 का वैल्यू कितना है, 7^1 है, तो हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, तो जो पावर है उसको इक्वेट कर लेते हैं, यानी 1 = क्या हो जाएगा 1 = 3y - 1, क्या हो जाएगा 1 = 3y - 1। ये फ्रेंड्स एक्सपोनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पावर बेस जब भी समान हो तो हम पावर क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ 7 था तो 7^1 क्या होता है 7 होता है, और यहाँ 343 था तो 343 को हम लोग क्या ले सकते हैं 7 क्यूब ले सकते हैं, तो 7 क्यूब हो गया, 3 क्यूब को बाहर कर दिए 3y - 1, बस आपको क्या करना सॉल्व करना है, y का वैल्यू आ जाएगा तो 1 = कितना हो गया 3y - 3।
ये माइनस इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4, यानी 4 बराबर 3 वाई आ गया। कितना आ गया 4 बराबर 3 वाई, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 बाई 3 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स 4 बाई 3 आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्त को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।